जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने दुश्मन का नाम सुना, हिरण्यकश्यप तपस्या तो छोड़ दी, घर पहुंच गए। कयाधु ने आता हुआ महाराज को देखा, महाराज आप तो जंगल में भगवान का भजन करने के लिए गए थे, लेकिन इतनी जल्दी कौन से भगवान प्रसन्न हो गए जो आप घर वापस लौट आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयाधु मैं जिस जगह भगवान का भजन करने के लिए गया था, वहां पर एक दुष्ट हमारे दुश्मन का नाम ले रहा था। कयाधु बोली, हे नाथ क्या नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यप बोला, कयाधु वो नारायण नारायण नाम पुकार रहा था। कयाधु ने जैसे ही भगवान का नाम सुना तो मन ही मन में प्रसन्न हो गई, सोचने लगी कि हे भगवान ये इतना भी नहीं जानते हैं ये भगवान का नाम है, जिन भगवान का ध्यान करने के लिए गए थे ये नाम उन्हीं प्रभु का है। कयाधु अपने पति से बार बार वही नाम बुलवाती है, काम करती है तो भी पूछती है, महाराज वो क्या नाम ले रहा था? बोले नारायण नारायण। बताया है कि उस कयाधु ने अपने पति के मुखारविंद से 108 बार भगवान का नाम निकलवा दिया। जो कभी भगवान का नाम लेना तो दूर सुनना भी पसंद नहीं करता था, आज कयाधु ने 108 बार अपने पति के मुख से भगवान का नाम बुलवा दिया। ओ महाराज, जब धीरे धीरे हिरण्यकश्यप वही आग लगी है सीना में कि कब मैं भगवान की तपस्या करें, कब भगवान हमें वरदान दें, तब मैं उस दुष्ट का नाश करें जिसने हमारे भाई को मारा है। दूसरा दिन हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए फिर चला तो बताया है क्या हुआ। हिरण्यकश्यप बलिवान चले दियो जान बनी को प्यारो, और धोरा गिर की को कश्यप ने अखंड समाधि लगा ली, ध्यान से मन से भगवान का भजन किया तो क्या हुआ। मेरे भोला भाऊ के भूखे हैं तसो आए गए हैं, मेरे खेल निराले हैं तसु आए गए हैं।
बोली वृंदावन में हरि लाल की। आज हिरण्यकश्यप ने महाराज इतनी अखंड तपस्या की कि अंत में भगवान को आना ही पड़ा। और जब भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु समझा करके कहने लगे, हिरण्यकश्यप मैं तेरी तपस्या पर बड़ा प्रसन्न हूं, ऐसा कीजिए तू हमसे कुछ वरदान मांग ले। तो आज हिरण्यकश्यप भगवान से किस तरीके से वरदान मांगता है। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए सभी भक्त, दो मिनट भगवान का छोटा सा संकेत।